मैं मुंबई तो जाना चाहता हूँ, पर बजट कितना होना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वहाँ पे कुछ ही दिनों के बाद मुझे वापस आना पड़ जाए? अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो, मेरे साथ कोई फ्रॉड हो गया तो? तो इन सब सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। हेलो गाइज, मैं हूँ अभिनव और आपका मुंबई व्लॉग यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो इस बजट को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला वो जिनके पास बहुत ज्यादा कम पैसा होता है फिर भी वो मुंबई में आना चाह रहे हैं, और दूसरे वो लोग जिनके पास ठीक ठाक पैसा होता है और बाई चांस अगर किसी रीजन से नहीं भी है तो भी मुंबई में आने के बाद बैक सपोर्ट होता है, मतलब कहीं ना कहीं से वो मंगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा कम पैसा है। तो मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि आप मुंबई में किसी स्टेशन पे आ चुके हो और वहां पे आने के बाद सबसे पहली नीड होती है मुंबई में आने के बाद कि आपको रूम चाहिए होता है, ठीक है, कहीं पे रहने के लिए जगह चाहिए होती है। तो देखो, आप पहले से रिसर्च करके अगर आए हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको किसी को भी पहले से एडवांस में पेमेंट नहीं करना है घर से। आपको यहाँ पे आने के बाद, फिजिकली वहां पे जाने के बाद अगर सब कुछ अच्छा लगता है तो ही आपको पेमेंट करना है। लेकिन अगर आपको इस चैनल के थ्रू रहने के लिए चाहिए तो आपको आना होता है नालासोपारा या फिर विरार। तो नालासोपारा या फिर विरार कैसे आना है, इधर आपको लिंक दिख रहा होगा, इस वीडियो में देख लो, पूरा डिटेल में मैप के थ्रू बताया गया है, जिससे आप कहीं से भी आ रहे हो, किसी भी स्टेशन पे उतर रहे हो, आपको प्रॉपर नालासोपारा विरार में आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इवन अगर आपको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता तो भी आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से समझ के यहाँ पे आ सकते हो। तो मैं मान लेता हूँ कि आप नालासोपारा या फिर विरार आ चुके हो, तो कोई ना कोई पिक करके आपको रूम पे ले जाता है और वहां पे देखने के बाद सब कुछ अच्छा लगता है अगर आपको तो कितना पेमेंट करना होता है, क्योंकि हमारा मेन फोकस तो बजट के ऊपर ही होने वाला है, बाकी सारी चीजों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो रूम कैसा होता है अगर ये आपको जानना है तो इधर आपको आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा, इस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि रूम का व्यू कैसा रहता है, समझ में आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब रूम में आने के बाद फर्स्ट मंथ का जो अभी का रेंट चल रहा है 3500 फर्स्ट मंथ का होता है, नेक्स्ट मंथ से 3000 रहता है। अगर आप 2021 के बजट वाला अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें क्लियर बताया गया था कि फर्स्ट मंथ का 3000 होता है, नेक्स्ट मंथ से 2500 होता है, मतलब अभी के टाइम से 500 कम था पहले। तो अगर आप 2024 में कभी भी आ रहे हो तो जो आपका रेंट रहेगा 3500 रहेगा कम से कम, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ से 3000 रहेगा। ये सबसे कम से कम प्राइस है, इससे ज्यादा वाला भी है, लेकिन हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये सबसे कम जिसका बजट है उसके लिए, ठीक है। तो ये तो हो गई रेंट की बात, अब आपका फूडिंग का कितना पैसा लगने वाला है, मतलब खाने पीने का। तो देखो, दो तरीका है इसके लिए। पहला तो ये कि आप बाहर से खा सकते हो लेकिन आपका उसमें पैसा ज्यादा लगेगा, और दूसरा तरीका ये है कि आप घर पे बना सकते हो। अब घर पे बनाने में आपका कम पैसा लगेगा, लेकिन फैसिलिटी क्या मिलती है वहां पे? तो देखो, सिलेंडर स्टोव मिलता है, किचन रहता है, जो लोग वहां पे रहते हैं उनके साथ मिलजुल के आप बना सकते हो। अब उसमें क्या होता है, गैस आपको बस रिफिल कराना पड़ता है, लेकिन उसमें कितना खर्चा आएगा तो मैं हवा में नहीं बात करूंगा, पूरे प्रूवन तरीके से मैं बताऊंगा कि कम से कम कितना पैसा आपका लगेगा, और इससे अगर आपका कम है तो इसमें आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो देखो, जो लोग भी यहाँ पे रहते हैं उनसे मैंने प्रॉपर बात किया है, प्रॉपर रिसर्च किया है, जो लंबे टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं और घर पे ही खाना बना के वो खाते हैं। तो अगर आप दो तीन लोग मिलकर घर पर ही अगर आप खाना बनाते हो तो आपका जो मिनिमम खर्च आएगा 1500 आएगा, ये कम से कम की बात करें। तो अगर आपके पास कम से कम पैसा है तो 1500 रुपए भी है तो आप सर्वाइव कर जाओगे, ऐसा नहीं कि आप भूखे रह जाओगे, ठीक है। तो ये तो हो गया रहने का और खाने का। अब इसके बाद क्या खर्च होता है, तो होता है ट्रेवल का। तो देखो, ट्रेवलिंग में जो खर्च होता है 250 से 300 रुपए का आप लोकल ट्रेन का पास बना सकते हो, जिसमें आप मंथली कहीं भी अप डाउन कर सकते हो, कोई भी चार्ज अलग से उसमें नहीं लगता है। उसके बाद जो अलग से खर्च होता है उसमें ऑटो वगैरह का यूज कर सकते हो, और एक्स्ट्रा खर्च सब मिला के मैं टोटल 1000 पकड़ के चलता हूँ, ठीक है। तो जो टोटल आपका खर्च हो गया रहने का, खाने का और आपका ट्रेवलिंग का और एक्स्ट्रा खर्च, तो टोटल मिला के आपका 6000 हो गया पहले महीने का। अगर 6000 से कम है आपके पास तो देखो, मुंबई में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये एक मंथ का रेंट है, लेकिन मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देखते आ रहे हो तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपको एटलीस्ट 2 महीने का बजट यहाँ पे प्रिपेयर करके आना चाहिए। तो 6000 पहले महीने का रहता है, लेकिन सेकेंड मंथ से 500 जो है रेंट कम हो जाता है, मतलब फर्स्ट मंथ का 3500 रहता है तो नेक्स्ट मंथ से 3000 होता है। तो अब 6000 अगर आपका पहले महीने में लगा है टोटल खर्च, तो अब अगले महीने 5500 में ही आपका खर्च हो जाएगा। तो आपका टोटल 6000 प्लस 5500 टोटल 11500 रुपए, मतलब 12000 अराउंड पकड़ के चलो। तो इतना आपके पास होना ही चाहिए तो ही आप मुंबई में सर्वाइव कर सकते हो और कुछ भी लंबे टाइम तक कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको आना है 15 दिन में वापस जाना है तो फिर तो 5000 भी लेके आ सकते हो, फिर वापस जा सकते हो। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लंबे टाइम पे यहाँ पे सर्वाइव कर सको, जो कि आप पहले से ऐसा सोच के आते हो। तो अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं जिनके पास ठीक ठाक अमाउंट होता है, ठीक ठाक बजट होता है,
या फिर कोई ना कोई बैक सपोर्ट होता है, तो उनको रहने के लिए कितना बजट चाहिए। देखो अगर आपके पास अच्छा बजट है तो मुंबई में रहने के लिए कोई लिमिट नहीं है, आपके पास ज्यादा से ज्यादा बजट कितना भी हो आपके पास कम ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लाखों रुपए भी रेंट हो सकते हैं। तो वो मैं बात नहीं कर रहा है, मतलब बात कर रहा हूँ कि आपके कम से थोड़ा सा ज्यादा है आपके पास, उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपको रहने के लिए थोड़ा सा अच्छा जगह चाहिए रहेगा, मतलब थोड़ा सा लोकेशन अच्छा हो, थोड़ा सा इन्वायरमेंट अच्छा हो, थोड़ा सा फ्लैट अच्छा हो, थोड़ा बिल्डिंग अच्छा हो, सब कुछ आप लोग देखते हो और कोई भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, प्रॉपर अच्छे से देखते हो, तो वो जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा फर्स्ट मंथ का 4000 रहता है, सेकेंड मंथ से 3500 रहता है, जो कि 500 रुपये कुछ चेंज होता है, तो आपको ये चीज़ मिल जाती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी अवेलेबल रहता है, कभी कभी नहीं भी रहता है, तो आप कॉल करके पूछ लेना, अगर अवेलेबल रहेगा तो आपको बता देंगे, तो आपको वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं फूडिंग की। तो अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आप बाहर से भी खा सकते हो, आपको बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप बाहर से खाओगे तो आपका करीब 4000 के आसपास आपका खर्च हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 50-60 रुपीज़ आपका पर टाइम का जो है थाली रहती है यहाँ पे, तो आपका करीब 4000 के आसपास जो है एक्सपेंस चला जाएगा खाने में। अब बात कर लेते हैं ट्रेवलिंग की। तो ट्रेवलिंग का वही बात है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप ज़्यादा खर्च करोगे, और जो एक्स्ट्रा मैंने जोड़ा था तो आप एक्स्ट्रा और थोड़ा सा ऐड कर लो, तो 2-3 हज़ार और ऐड कर लो, तो टोटल जो बजट है आपका 2 महीने का, अगर पूरा अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो 15 से लेकर 18 हज़ार के आसपास भी है तो भी काम चल जाएगा और आप अच्छे तरह से सर्वाइव कर जाओगे। तो ये प्रिपरेशन है और ये बजट है 2024 का, जो कि आपको पूरा प्रिपेयर करके आना है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कम से कम कितना पैसा होना चाहिए, तो अगर उससे कम पैसा आपके पास रहेगा तो प्लीज़ मैं आपको बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मत आइए, आपका पैसा नुकसान होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, तैयारी बना लिए हो, अगर कुछ करना चाहते हो यहाँ पे, तो आपको पूरी तरह से हेल्प की जाएगी यहाँ पे, जैसे कि जॉब्स रिलेटेड आपको पूरी वीडियो में बनाता चला आ रहा हूं। अगर आपको नहीं मिल रहा है अपडेट तो आप देख सकते हो, यहां पे चैनल पे जाओ, इस तरह से आप स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करने के बाद शॉर्ट सेक्शन में आपको पूरा डेली एक एक वीडियो आ रही है, पूरे 100 डेज का मैंने चैलेंज दिया है, तो आप लोग सपोर्ट करो और अच्छे से उसको देखो और फॉलो करो, और जो नंबर दिया जाता है उस नंबर पे प्रॉपर रिज्यूम बना के प्रॉपर अच्छे तरीके से और ऑफिस टाइमिंग में कॉल करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 12 बजे आपने वीडियो देखा तो 12 बजे उनको कॉल करने लगो, तो ये इससे थोड़ा बैड इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और जो लोग मुंबई आना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।